नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था, लेकिन अब 15 अगस्त से इसे अनिवार्य कर दिया जाए। पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर बताया है कि 15 अगस्त 2021 से 2 लाख रुपये या इससे ज़्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि PPS लागू कर दिया जाएगा। दरअसल चेक फ्रॉड के मामले में बड़ी संख्या में आने के बाद RBI ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लेकर गाइडलाइन जारी किया था। इसे 1 जनवरी 2021 से लागू भी कर दिया गया था। RBI ने बैंकों से कहा है कि 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए इस सुविधा को लागू किया जाएगा। चेक के जरिए 2 लाख रुपये से ज़्यादा के पेमेंट के लिए ज़रूरी होगा। RBI ने यह भी कहा था कि बैंक अपनी ओर से इस सुविधा को 5 लाख रुपये या इससे अधिकतम रकम के लिए अनिवार्य कर सकती है। RBI के गाइडलाइन के अनुसार इंडियन बैंक ने चेक के जरिए 2 लाख रुपये या इससे ज़्यादा के पेमेंट पर इस सुविधा को लागू कर दिया है। इंडियन बैंक अब इसे 15 अगस्त से अनिवार्य कर देगा। जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम है क्या। तो आपको बता दें कि पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने तैयार किया है। इस सिस्टम के तहत ज़्यादा रकम में लेन देन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बैंक को देनी होती है। इसके बाद इन चेक का पेमेंट क्लियर करते समय इन डिटेल्स का मिलान किया जाता है और कोई भी गड़बड़ी या डिटेल्स के नाम मिलने होने की स्थिति में पेमेंट रोक दिया जाता है। इंडियन बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को अपने अकाउंट नंबर, चेकर नंबर, जारी करने की तारीख, ट्रांजैक्शन कोड, MICR कोड को बैंक के साथ जारी करना होगा। इन डिटेल को चेक क्लियरिंग और भेजने के बाद 24 घंटे के पहले शेयर करना होगा। बैंक ग्राहक इन जानकारियों को वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग या होम ब्रांच में जाकर दे सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।